इस YouTube चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, NEET 23 की हाई रैंक के इस समय में अभी टोटल MBBS की 8420 सीट इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि आज 21 जून 23 तक 8420 सीट इंक्रीज हो चुकी हैं। इनमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी शामिल हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी शामिल हैं। तो इससे इतनी ज्यादा रैंक आ रही है इस साल, इसमें ये थोड़ी सी राहत भरा समाचार तो है। अभी सीटें और भी बढ़ेंगी, ये तो सीटें बढ़ी हैं, और भी सीटें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और जो जिन कॉलेजेस की मान्यता खत्म हो गई थी, NMC ने अभी उनकी मान्यता के बारे में कोई अपडेट नहीं डाला है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी भी कॉलेज की इस बार मान्यता रद्द नहीं की जाएगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। हालांकि मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि इतनी सारी सीटें बढ़ने से कट ऑफ लो चली जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ राहत हमें जरूर मिलेगी। जो इतनी हाई रैंक देखने को मिली थी, इतनी सीटें बढ़ने के बावजूद हमें थोड़ी सी राहत महसूस होगी। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि कितनी कितनी सीटें इस बार इंक्रीज हो रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कितनी सीटें इंक्रीज हो रही हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो एक बार हम आज की डेट में NMC का स्टेटस देखें तो आज की डेट में 703 मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज की डेट में 703 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें 107683 सीटें अवेलेबल हैं। मैं 683 सीट इसलिए यहां पर बोल रहा हूं कि अभी इसमें 100 सीट्स के सैकड़े में इंक्रीज हो चुकी हैं, लेकिन वो यहां पर अपडेट नहीं हुई है। इंक्रीज तो हो गई है, लेकिन वो यहां पर अपडेट नहीं हुई है। तो टोटल अगर हम देखें तो 107683 सीट्स आज की डेट में हो चुकी हैं और 703 मेडिकल कॉलेजेस आज की डेट में हैं, यानी कि 21 जून 23 तक। अब एक बार पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछली बार टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस थी 2022 की काउंसलिंग के लिए, वो 652 मेडिकल कॉलेजेस थी। तो जो इस बार मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुई हैं, वो 51 मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुई हैं, यानी कि टोटल 51 मेडिकल कॉलेज अभी तक इंक्रीज हो चुकी हैं। अभी और भी इंक्रीज होंगी, वो भी आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। अगर हम सीट्स की बात करें तो ये 22 में 99,263 सीट्स थी और आज की डेट में 107,683 सीट्स है, यानी कि जो टोटल सीट्स इंक्रीज हुई हैं अभी तक 8,420 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब यहां हम देखते हैं, इसमें अलग अलग देख लेते हैं एक बार, टोटल इंक्रीमेंट देखते हैं कितना हुआ है अभी तक का। तो गवर्नमेंट न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं न्यू की, वो 30 गवर्नमेंट मेडिकल इस बार इस्टेब्लिश हुई है। 30 मेडिकल कॉलेज इस बार इस्टेब्लिश हुई है अभी तक, जिनमें 3,350 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, ये सीट ऐड हो चुकी है। जो पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज हैं, उनके अंदर 9 मेडिकल कॉलेज में 520 सीट्स इंक्रीज हुई हैं गवर्नमेंट MBBS की। तो टोटल गवर्नमेंट की सीट इस साल के लिए जो इंक्रीज हुई है, वो 3,870 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टेट वाइज भी बताऊंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन से स्टेट में इंक्रीज हुई है और कौन सी गवर्नमेंट मेडिकल पुराने में कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, कितनी सीट ऐड हुई है, और प्राइवेट का भी मैं आपको इस वीडियो में आगे कॉलेज वाइज बताऊंगा। एक बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं तो टोटल 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अभी इस साल इस्टेब्लिश हुई हैं, जिनमें 2,950 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट की, 25 मेडिकल कॉलेजेस में 1,600 सीट्स ऐड हुई हैं इस बार के लिए। तो टोटल अगर प्राइवेट का देखें इस साल के लिए इंक्रीमेंट, तो 4,550 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का अगर हम टोटल लगाते हैं तो ये 8,420 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं अभी तक। अब मैं आपको यहाँ पर कॉलेज वाइज बता देता हूँ, जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुई हैं और पुरानी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की में कितनी सीटें ऐड हुई हैं। तो आंध्रा की यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेज हैं, आंध्र प्रदेश की नई 5 मेडिकल कॉलेज इस बार रन हो रहे हैं। इन नई 5 मेडिकल कॉलेज में 150-50 सीट्स सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, यानी कि आंध्रा में टोटल 750 सीट्स का इजाफा हुआ है गवर्नमेंट का
और ऑल इंडिया 15% के लिए ये इजाफा हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा, उसका फायदा हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा। आसाम में 3 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं जिनकी डिटेल्स आप यहां देख सकते हैं। आसाम के 3 मेडिकल कॉलेज की सभी में 100-100 सीट्स हैं। यहाँ बिहार में भी एक मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, उसमें भी 100 सीट्स हैं। यहाँ जेएनके में 2 कॉलेज ओपन हुए 100-100 सीट के साथ में, हंडवाड़ा और उधमपुर में। कर्नाटका में भी 150 सीटों के साथ में एक कॉलेज ओपन हुआ है। मध्य प्रदेश में भी सतना का कॉलेज ओपन हुआ है 150 सीट्स के साथ। महाराष्ट्र में एक कॉलेज ओपन हुआ है रत्नागिरी में, 100 सीट्स है उसमें। इसके अलावा नागालैंड में 100 सीट्स के साथ में एक कॉलेज ओपन हुआ है। यहाँ पर अभी बात करें हम नेक्स्ट कॉलेजेस की, तो उड़ीसा में एक कॉलेज ओपन हुआ है 100 सीट्स के साथ। राजस्थान में 5 कॉलेज ओपन हुए हैं 500 सीट्स के साथ में। तेलंगाना में काफी सारे कॉलेज ओपन हुए हैं इस बार, तो ये सारे कॉलेज जो ओपन हुए हैं 8 कॉलेज ओपन हुए हैं 800 सीट्स के साथ में। तो अभी तक टोटल 30 कॉलेजेस न्यू कॉलेजेस रन होंगे इस साल के लिए, तो ये काफी बड़ा इजाफा है। और ये टोटल जो सीटें आएंगी 3,350 सीट्स इस साल नई मेडिकल कॉलेजों में हमें देखने को मिलेंगी। ये आज तक का डाटा है, सीटें और भी बढ़ेंगी, मेडिकल कॉलेज और भी अभी इंस्पेक्शन हो रहा है, जल्द ही हमें देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड तक भी हमें सीटें देखने को मिलती हैं यहाँ। अभी पुरानी मेडिकल कॉलेज में एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पुरानी मेडिकल कॉलेज में किस स्टेट में सीटें ऐड हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में 230 सीट्स हो गई हैं, 50 सीट्स ऐड हुई हैं यहाँ पर। ESIC गुलबर्गा में 25, इसके बाद जबलपुर 70 सीट्स, पटियाला 25 सीट्स, ESIC चेन्नई 50 सीट्स, और धनबाद का जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है झारखंड का, उसमें 50 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और टोटल 250 सीट्स और हैं जब इंक्रीज हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हुई हैं। यानी कि टोटल 520 सीट्स गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर ये ऐड हो चुकी हैं। अगर टोटल गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो 3,350 नई मेडिकल कॉलेजेज में है और 520 पुरानी मेडिकल कॉलेजेज में है। तो टोटल आज तक 3,870 सीट्स का इजाफा हुआ है अभी तक के लिए। अब एक बार प्राइवेट के लिए भी देख लेते हैं। प्राइवेट के लिए देखें तो गुजरात की 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल रन हो रही हैं और सभी में 150 सीट्स हैं। हरियाणा की 2 मेडिकल कॉलेज, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है 150 सीट्स के साथ में। कर्नाटका में भी 2 न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, इसमें एक में 150 सीट्स हैं और दूसरे में 50 सीट्स हैं। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट है जिसमें एक बार ये अनाउंसमेंट हुआ था कि इसमें फीस नहीं लगेगी। पहले ये 100 सीट्स इसकी अप्रूव हुई थी, लेकिन अभी रिड्यूस होके 50 सीट्स हो गई है कि ये इसकी काउंसलिंग करवाएगा। महाराष्ट्र की 3 कॉलेजेज पुरानी कॉलेजेज सॉरी प्राइवेट कॉलेजेज रन हो रही हैं इस बार के लिए, 2 इसमें 150 सीट्स के साथ है, एक 100 सीट्स के साथ में। उड़ीसा की भी एक कॉलेज है 100 सीट्स के साथ में। तमिलनाडु की 3 कॉलेज हैं 150 सीट्स के साथ। तेलंगाना की यहाँ 4 मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट की 150 सीट्स के साथ। यूपी का भी एक 150 सीट्स के साथ कॉलेज है और वेस्ट बंगाल के साथ 150 सीट्स के कॉलेज हैं यहाँ पर। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो इसमें जो सीटें हैं वो 2,950 सीट्स हैं पुरानी जो न्यू मेडिकल कॉलेजेज में। अब पुरानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अगर हम देखें सीट्स का, तो आंध्रा में 2 कॉलेजों में 200 एक कॉलेज में बढ़ी और 250 दूसरे कॉलेज में सीट्स बढ़ी है, इसमें ऐड हुई हैं। कर्नाटका के 3 कॉलेजेज में सीट्स ऐड हुई हैं, केरला के 3 कॉलेजेज में हुई हैं, MP के एक कॉलेजेज में 250 सीट्स थी उसमें 100 सीट्स ऐड हुई हैं। महाराष्ट्र में 2 कॉलेजों में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोनों ही, पोडोचेरी की भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु की भी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और तेलंगाना का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां 50 सीट्स ऐड हुई है इस बार प्राइवेट में। RVM भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में भी 50-50 2 कैरियर और हेरिटेज में हुई है। मायो और मुजफ्फरनगर में 100 और 50 सीट्स ऐड हुई हैं, राजश्री में 100 सीट्स और सुवार्थी में 50 सीट्स, वेस्ट बंगाल के आई केयर में 50 सीट्स और मैरसी मार्केंडेश्वर जो हरियाणा का डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें 50 सीट्स इंक्रीज हुई है। तो टोटल पुरानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं इसमें 1,600 सीट्स ऐड हुई हैं।
एक बार इसका हम पूरा समरी देखें तो इसमें टोटल जो प्राइवेट की सीट्स, न्यू प्राइवेट की सीट्स हैं 2950 सीट्स, प्राइवेट की जो ओल्ड में सीटें हैं 1600, तो टोटल प्राइवेट की जो सीटें हैं 4550 सीट्स इंक्रीज हुई है। और टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट को सभी को मिलाएं हम, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट में ओल्ड और न्यू मेडिकल कॉलेजेस की टोटल 8420 सीट्स इस बार इंक्रीज हुई हैं। तो ये सीटें तो काफी इंक्रीज हुई हैं, अभी और भी काफी सारी सीटें इंक्रीज हो रही हैं। जैसे जैसे ये सीट्स इंक्रीज होंगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके साथ ही हम आपको यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी सभी के लिए बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसमें मेन बात यह है कि इसमें 2023 के लिए च्वाइस लिस्ट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप च्वाइस फिल कर सकते हैं। इसमें फ्लो चार्ट से काउंसलिंग प्रोसेस को भी समझाया गया है, बॉन्ड की डिटेल्स भी दी गई है और इसमें 3-4 साल की कट ऑफ भी दी गई है, 4 साल की कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, ऐसे ही स्टेट में सारी इस प्रकार की फैसिलिटी दी गई है। इसमें हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है, प्राइवेट कॉलेज के काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया है, जो ओपन कोटा की कॉलेजें हैं उनके बारे में भी, या MBBS BDS दोनों कोर्सेज के लिए समझाया गया है इसमें। तो मैं सोचता हूँ ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ये जानकारी थी सीट्स के बारे में, सीट्स काफी इंक्रीज हो रही हैं और ये सेकेंड राउंड तक भी सीट इंक्रीज होती रहेंगी, तो हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी जो हाई कट ऑफ गई है इस साल उससे। तो ये मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ में, नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। ये वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।